सर आपका नाम? पंडित पुष्पेन मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष सनातन हिंदू वाहिनी दिल्ली। मिश्रा जी, आपका यहाँ आने का क्या मकसद है, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा मकसद यह है कि जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण दी जा रही है वो ना दी जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मिश्रा जी, शरण कौन दे रहा है यहाँ पर? सरकार दे रही है, हमारी सरकार और कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना हो, हम इसका विरोध करते हैं। और ये लोग एजेंसियों ने हमारी कहा है, कई बार स्टेटमेंट आ चुकी है कि ये आतंकवादी हैं, आईएस के साथ जुड़े हुए हैं और कई जगह जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि देश की सुरक्षा से मानवता के आधार पर खिलवाड़ ना किया जाए। तो मिश्रा जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं और इनको देखा गया, जानकारी में आया है ये तो, कि इनको खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो ये इस तरीके से यहाँ अपने जान बचाने के लिए ये लोग आए हैं। आज जान बचा रहे हैं, कल को हमारी जान लेंगे, जैसा इन्होंने म्यांमार में किया है बौद्धों के साथ। जो बौद्धों के साथ म्यांमार में इन्होंने किया है वो यहाँ करेंगे। तो हम तो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, या किसी के लिए अपनी सुरक्षा के लिए ये ना आए यहाँ पे, इसे शरण ना दी जाए यहाँ पे, हमारा यही उद्देश्य है। और आज ये लोग पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुके हैं, कोई नहीं चाहता ये इनके यहाँ जाएं ये, और हमारी सरकार चाह रही है कि यहाँ आए, हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, सरकार ने तो पहले ही हलफनामा और एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय से भी अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर कि इस पर ध्यान दिया जाए, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना किया जाए। कुछ लोग, चंद लोगों के लिए पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है? मैं तो उच्च न्यायालय से भी कहूँगा माननीय कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। मिश्रा जी, अगर एक जान बचाने के लिए अगर कोई शरण लेता है तो उसके लिए क्या हमला इस तरीके की आपत्ति करना क्या मायने रखता है? जान बचाने शरण कौन ले रहा है ये पहले देखना चाहिए। जो आदमी किसी को मार के आ रहा है और उसे आप शरण दे रहे हो तो वो तो क्राइम हो गया एक तरीके से। अगर एक अपराधी को आप शरण दे रहे हो वो तो क्राइम है। तो मिश्रा जी, आगामी योजना क्या रहेगी आप इसको धरने प्रदर्शन को लेकर? हम इसे कंटिन्यू रखेंगे जब तक माननीय उच्च न्यायालय और भारत सरकार हमारी बात को नहीं मानती। तो आप जो शुरुआत की इसकी और इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। अब आप यहाँ से कहाँ आगे प्रस्थान करें? हमारा प्रस्थान राजघाट तक एक पैदल मार्च है, शांतिपूर्ण अपनी बात सरकार तक पहुँचाना, राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय, हम सबको ज्ञापन दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारी बात कोर्ट तक पहुंचाई जाए, और हम आने वाले टाइम में कोर्ट में भी जाएंगे इस चीज़ को लेकर। आज आप इस दिल्ली के अंदर, इस राजधानी दिल्ली के अंदर इस मुहिम को चला रहे हैं, और आप आगामी योजना आपकी दिल्ली तक रहेगी या पूरे देश में हम चलाएंगे इसको? हमारे संगठन पूरे देश में है और हर जगह इस मुहिम को चलाया जाएगा। शुरुआत की दिल्ली से की गई है। धन्यवाद।